और दोस्तों यूट्यूब के चैनल सब्सक्राइब कर लें, क्लिक बेल के आइकन को प्रेस कर दें ताकि नोटिफिकेशन आपको मिलते रहे। जेबी सेवियर बैंक प्रमोशन से संबंधित यहाँ बात करें। सेबी का बीएफएम एक्सपेक्टेड क्वेश्चन पार्ट नंबर 4 है। पहला सवाल है कि क्रेडिट डेरिवेटिव 6-2 क्रेडिट डेरिवेटिव क्या देखता है। तो पहला ऑप्शन है प्रोटेक्ट द मार्केट रिस्क एज वेल एज द क्रेडिट रिस्क ऑफ एन एसेट। बी ऑप्शन है सेग्रेट द क्रेडिट रिस्क फ्रॉम एन एसेट एंड ट्रेड इट सेपरेटली। सी ऑप्शन है ट्रांसफर द क्रेडिट रिस्क अलॉन्ग विद द रेफरेंस एसेट टू द क्रेडिट रिस्क बाय। डी ऑप्शन है नन ऑफ द अबव। तो सही ऑप्शन हो जाएगा यहाँ पे भी, यानी सेग्रेट द क्रेडिट रिस्क फ्रॉम एन एसेट एंड ट्रेडिट सेपरेटली। दूसरा क्वेश्चन है डेरिवेटिव्स आर अवेलेबल फॉर। डेरिवेटिव्स जो होते हैं अवेलेबल होते हैं किसके लिए। पहला ऑप्शन है फॉरेन एक्सचेंज, दूसरा ऑप्शन इंटरेस्ट बियरिंग फाइनेंशियल एसेट, सी ऑप्शन है कॉमोडिटीज इक्विटीज, डी ऑप्शन है ऑल द अबव। तो सही ऑप्शन हो जाएगा इस केस में, वो हो जाएगा डी, सारी चीजों के लिए होता है डेरिवेटिव्स। तो डेरिवेटिव्स आपका फॉरेन एक्सचेंज के लिए भी होगा, इंटरेस्ट बेयरिंग फाइनेंशियल एसेट्स के लिए होगा, कॉमोडिटीज इक्विटीज के लिए भी होगा। क्वेश्चन नंबर 3 है एज्यूमिंग द टाइम होरिजन फॉर ऑल ट्रांजेक्शन इज द सेम विच ऑफ द फॉलोइंग ट्रांजेक्शन वुड हैव द लेस्ट क्रेडिट रिस्क। बोलता है कि सभी टाइम जोन को अगर मान लें, टाइम होरिजन को मान लें सारे ट्रांजेक्शन के लिए एक समय, अगर सारे ट्रांजेक्शन टाइम होरिजन में मान लें एक समय, तो कौन सा ट्रांजेक्शन जो होगा सबसे कम क्रेडिट रिस्क का होगा। पहला ऑप्शन है ए फॉरवर्ड परचेज ऑफ ऑयल फ्रॉम डबल ए रेटेड कंपनी। बी ऑप्शन है बाइंग ए कॉल ऑप्शन ऑन ऑयल फ्रॉम ए बी रेटेड कंपनी। सी ऑप्शन ए फॉरवर्ड सेल ऑफ ऑयल टू एन डबल ए रेटेड कंपनी। डी ऑप्शन ए फॉरवर्ड सेल टू ए फॉरवर्ड सेल ऑफ ऑयल टू ए सी रेटेड कंपनी वेयर टोटल परचेज प्राइस इज गारंटीड बाय ए लेटर ऑफ क्रेडिट फ्रॉम एन ट्रिपल ए रेटेड कंपनी। तो सही ऑप्शन हो जाएगा इस केस में डी, फॉरवर्ड सेल ऑफ ऑयल टू सी रेटेड कंपनी वेयर टोटल परचेज प्राइस इज गारंटेड बाय लेटर ऑफ क्रेडिट फ्रॉम एन ट्रिपल ए रेटेड कंपनी। चौथा क्वेश्चन देखिए हाउ इज द रिस्क ऑफ सो कॉल्ड इवेंट ऑफ गॉड लूजेस डील्ट विद। बोलता है कि आप रिस्क जो हम बोलते हैं इवेंट को, हम रिस्क बोलते हैं इसमें क्या रिस्क होता है उस तरह के इवेंट को जो कि गॉड लॉस जो कि गॉड लूज कर जाता है, जो कि डील करता है किसके साथ। तो पहला ऑप्शन है थ्रू RARoC मॉडल्स, बी ऑप्शन है थ्रू वेयर प्रेफरेबली डेल्टा गामा अप्रोच, उसके बाद सी ऑप्शन है ओनली इंश्योरेंस कंपनीज कैन ऑफर ए पार्शियल कवर, डी ऑप्शन है बोथ बी एंड सी ऑफ अबव। तो इस केस में जो हो जाएगा ऑप्शन सी हो जाएगा, ओनली इंश्योरेंस कंपनीज कैन ऑफर ए पार्शियल कवर। पांचवा क्वेश्चन है एन ऑर्डर टू फॉर्मुलेट बैंक्स लोन पॉलिसी टू एड्रेस क्रेडिट रिस्क विच ऑफ द फॉलोइंग पॉइंट्स आर नॉट कंसिडर्ड। बोलता है कि जो आप फॉर्मुलेट करते हैं बैंक की लोन की पॉलिसी को ताकि पैटर्स कर सके क्रेडिट रिस्क को, इसमें से कौन सा पॉइंट जो कंसीडर नहीं किया जाएगा। पहला ऑप्शन है डेलीगेशन ऑफ पावर्स, दूसरा ऑप्शन है क्रेडिट अप्रेजल, तीसरा ऑप्शन है प्राइसिंग पॉलिसीज, चौथा ऑप्शन है स्टैंडर्डाइजेशन ऑफ डॉक्यूमेंट्स। तो यहाँ सही ऑप्शन हो जाएगा क्या, डी स्टैंडर्डाइजेशन ऑफ डॉक्यूमेंट्स। फिर सिक्स्थ क्वेश्चन है व्हाट इज द बीटा फैक्टर फॉर पेमेंट एंड सेटलमेंट अंडर स्टैंडर्डाइज्ड अप्रोच फॉर ऑपरेशन रिस्क। बोलता है क्या बीटा फैक्टर होगा पेमेंट और सेटलमेंट करने का अंडर जो स्टैंडर्डाइज्ड अप्रोच है ऑपरेशन रिस्क का। पहला ऑप्शन है 12%, दूसरा ऑप्शन 18%, तीसरा ऑप्शन 15%, चौथा ऑप्शन 16%। तो यहाँ पे हो जाएगा सही ऑप्शन हो जाएगा बी 18%। सातवां क्वेश्चन है नेगेटिव यील्ड कर्व इज वन इन विच। बोलता है नेगेटिव यील्ड कर्व जो होता है वो होता है जहाँ पे पहला ऑप्शन है लॉन्ग टर्म इंटरेस्ट रेट्स आर लोअर देन शॉर्ट टर्म इंटरेस्ट रेट्स, बी ऑप्शन है फॉरवर्ड एक्सचेंज रेट्स आर एट ए डिस्काउंट टू स्पॉट रेट्स, सी ऑप्शन है शॉर्ट टर्म इंटरेस्ट रेट्स आर लोअर देन लॉन्ग टर्म रेट्स, डी ऑप्शन है फॉरवर्ड एक्सचेंज रेट्स आर प्रीमियम टू स्पॉट रेट्स। सही ऑप्शन हो जाएगा ए, लॉन्ग टर्म इंटरेस्ट रेट्स आर लोअर देन शॉर्ट टर्म इंटरेस्ट रेट्स। आठवां क्वेश्चन है द रिस्क ऑफ द ऑप्शन सेलर इज। बल्कि जो रिस्क होता है ऑप्शन सेलर का वो क्या है। पहला ऑप्शन है लिमिटेड टू द प्रीमियम अकाउंट, बी ऑप्शन है लिमिटेड टू द अमाउंट ऑफ ऑप्शन कॉन्ट्रैक्ट, सी ऑप्शन है लिमिटेड टू ए सर्टेन परसेंटेज ऑफ द ऑप्शन कॉन्ट्रैक्ट, डी है नन ऑफ द अबव।
तो सही ऑप्शन क्या हो जाएगा, डी नन ऑफ द अबव, यानी कोई भी ऑप्शन सही नहीं है। फिर नाइन्थ क्वेश्चन है, करेंसी फ्यूचर्स आर फॉरवर्ड कॉन्ट्रैक्ट्स डैश, बोला करेंसी फ्यूचर जो होता है फॉरवर्ड कॉन्ट्रैक्ट होता है। पहला ऑप्शन दिया है विथ स्टैंडर्ड साइज, बी ऑप्शन है विथ स्टैंडर्ड मैच्योरिटी डेट, सी ऑप्शन है ट्रेडेड ऑन द एक्सचेंज, डी ऑप्शन ऑल द अबव, सही ऑप्शन हो जाएगा ऑल द अबव। दसवां क्वेश्चन, सेविंग बैंक डिपॉजिट्स आर प्लेस्ड इन बकेट, सेविंग्स बैंक डिपॉजिट जो होता है बकेट में प्लेस किया जाता है, बकेट में डाला जाता है। पहला ऑप्शन नॉन सेंसिटिव, दूसरा ऑप्शन 3 to 6 months, तीसरा ऑप्शन ओवर 5 years, डी ऑप्शन नन ऑफ दिस। जो सही ऑप्शन आ जाएगा इस केस में वो हो जाएगा आपका ए नॉन सेंसिटिव। आप चाहे तो जीआईबी और सीआईबी कोर्सेज खेल सकते हैं, यहाँ पे आपको सारी कोर्सेज का ऑनलाइन मोड पे आपको पढ़ाया जाएगा। इसका लिए आपको एक लॉगिन आईडी और पासवर्ड मिल जाएगा, जिसके हेल्प से वीडियो लेक्चर कोर्सेज देख सकते हैं, केस स्टडी का वीडियो देख सकते हैं, 2007 का क्वेश्चन बैंक रहेगा, क्विक रिवीजन नोट रहेगा और मॉक टेस्ट रहेगा। अगर आप कोई भी सिंगल जीआईबी सीआईबी या फिर बैंक प्रमोशन पेपर खरीदते हैं, इसका दाम है 2000 रुपये, ऑफर प्राइस में दाम रहेगा 600 रुपये। जीआईबी का कॉम्बो पेक खरीदते हैं, तीनों पेपर एक साथ खरीदते हैं, जिसका दाम है 4500 रुपये, ऑफर प्राइस में दाम रहेगा 1500 रुपये। अगर आप सीआईबी का दोनों कंपलसरी पेपर खरीदते हैं, ईवीएम प्लस डीएफएम, जिसका दाम है 3500 रुपये, ऑफर प्राइस में 1100 रुपये। अगर आप सीआईबी का दोनों कंपलसरी पेपर प्लस रिटेल बैंकिंग खरीदते हैं, जिसका दाम है 4500 रुपये, ऑफर प्राइस है 1500 रुपये। 10 मॉक टेस्ट खरीदते हैं, कोई पेपर का दाम है 199 रुपीज़, और कॉम्बो पेक मॉक टेस्ट का 399 रुपीज़। ज्यादा जानकारी के लिए फोन कर सकते हैं, फोन नंबर हो गया 4×9685127, दूसरा नंबर है 7827546946। वेबसाइट में जाकर डायरेक्टली ऑनलाइन ऑर्डर प्लेस कर सकते हैं, वेबसाइट हो गया www.jivcivstudymaterial.com, ईमेल आईडी हो गया sirsina123@gmail.com। जानकारी के लिए फोन कर सकते हैं, फोन नंबर हो गया 4×9685127, दूसरा नंबर है 7827546946। वेबसाइट में जाकर डायरेक्टली ऑनलाइन ऑर्डर प्लेस कर सकते हैं, वेबसाइट हो गया www.jivcivstudymaterial.com, ईमेल आईडी हो गया sirsina123@gmail.com।